नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल खबर हाट। दोस्तों, आज 18वीं लोकसभा के स्पीकर का भी चुनाव हो गया। ओम बिरला जी फिर से एक बार स्पीकर बन गए हैं और बाकायदा राहुल गांधी नेता ऑपोजिशन के तौर पे भी आज पहला दिन उनका था। दोनों प्रधानमंत्री और राहुल गांधी स्पीकर को बाकायदा उनकी कुर्सी तक भी छोड़ के आए, जो देखने में बहुत अच्छा लगा। 10 साल से ऐसे विजुअल नहीं दिख रहे थे, जो लोग स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, वो आज दिखे तो अच्छा लगा। लोगों को भी अच्छा लगा और जो पॉलिटिशियन है उन्हें भी अच्छा लगा और विपक्ष को तो नेचुरली अच्छा लगा कि कई बार कम से कम मजबूत विपक्ष तो आया है। लेकिन इस बीच संसद में जब भी बात आती है एनडीए सरकार की, एनडीए जहां शब्द जुड़ता है, तो दो पार्टियां ऐसी थी जो शुरू से एनडीए के साथ रही थी, यानी जब बीजेपी के साथ कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, ये दो पार्टियां उस वक्त उनके साथ थी। एक शिवसेना महाराष्ट्र से और दूसरी थी शिरोमणि अकाली दल पंजाब से। आज आलम यह है कि शिवसेना के दो टुकड़े हो चुके हैं और एक टुकड़ा अभी भी एनडीए का घटक है, लेकिन अकाली दल की हालत यह है कि आज सिर्फ एक सांसद सदन में है। जब उस सांसद ने, जो सिमरत कौर बादल है, उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का थोड़ा ज्यादा मौका दिया जाए, तो स्पीकर ने बाकायदा उन पर तंज कसते हुए कहा कि आपको पहले कभी मौका नहीं मिला। यह हालत हो गई उस शिरोमणि अकाली दल की, जो इस बीजेपी के साथ वाजपेयी के जमाने में खास करके कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। हालांकि नॉन हिंदू स्टेट है पंजाब, नॉन हिंदू पार्टी है अकाली दल, उसके बावजूद जो भी लांछन लगे बीजेपी में, अकाली दल हमेशा साथ रहा। लेकिन जब किसान आंदोलन की बात आई, जो 3 कृषि कानूनों की बात आई, तो अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ा। और आपको मालूम है मोदी जी का जो साथ छोड़ता है, मोदी जी फिर उनको किस तरह से दिल में रखते हैं, किस अंदाज में रखते हैं मालूम है। और वही चीज अकाली दल के साथ भी, जैसे शिवसेना को तोड़ दिया गया, अकाली दल को तोड़ने की भी पूरी तैयारी की जा रही है। अब आप ये देखिए, एक अखबार यहाँ कर जो पंजाब से बाहर के उनके देखिए, अखबारों में ये खबर है, एसएडी फेसेस इट्स बिगेस्ट क्राइसिस इन 25 इयर्स। 25 साल में अकाली दल में ये स्थितियां नहीं आई थी जो अब आ गई हैं, क्योंकि पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर है। एक धड़ा है जो चाहता है कि सुखबीर बादल, जो प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं, वो अभी कमान संभाले हुए, कि वो कमान किसी और को दे दे, खुद हट जाए साइड में, क्योंकि इन लोकसभा चुनाव में पार्टी 4th नंबर पे खिसक गई। और दूसरी धारा चाहता है, जो सुखबीर बादल का समर्थक, वो चाहता है कि सुखबीर बादल ही बने रहे, और उनका कहना है कि ये ऑपरेशन लोटस के जरिए अकाली दल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज इसी मुद्दे पे दरअसल बात करना चाहूंगा, कुछ खास मेहमान मेरे साथ होंगे, कि क्यों बीजेपी अपने ही पुराने सहयोगियों को इस तरह से बर्बाद करती है, इस मेंटेलिटी के पीछे, इस सोच के पीछे वजह क्या है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह यह है कि पंजाब में पहली बार इस बार बीजेपी ने अपने दम पर पूरे 13 सीटों में चुनाव लड़ा था, वरना अकाली दल के सहयोगी के तौर पर लड़ता था। लेकिन हैरानी बात यह हुई कि सीट तो कोई नहीं जीती, लेकिन वोट प्रतिशत उनका इस बार 18.56 वोट प्रतिशत पहुंच गया, जो कि अकाली दल सिर्फ 13.42 पे रह गई। एक सीट अकाली दल की आई, बीजेपी की कोई सीट नहीं आई। 7 कांग्रेस की आई, 3 जो है वो आम आदमी पार्टी की आई, 2 आपको मालूम है इंडिपेंडेंट जीते हैं, और 1 अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल बादल की जीती है। लेकिन वोट शेयर जिस तरह से बीजेपी का बढ़ा है, वो कई लोगों को चिंता में डाल रहा है कि क्या पंजाब में धीरे धीरे बीजेपी अपने पांव पसारने में कामयाब हो रही है। और बीजेपी का एजेंडा किसी से छुपा नहीं है। कल सदन में भी बीजेपी के बहुत से सांसदों ने हिंदू राष्ट्र के नाम पर शपथ ली थी, हिंदू राष्ट्र की जय कहा था। तो इन्हीं सब मुद्दों पर जरा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आइए आपको उनसे मिलाते हैं। हमारे साथ पंजाब से, लुधियाना से जुड़े हैं राजू विलियम जी, सीनियर पत्रकार हैं, किसी नाम का मोहताज नहीं है, आपको मालूम है कई चैनलों पर आप इनको देखते हैं। और सुनील शुक्ला जी को तो खैर आपने मेरे चैनल पे भी कई बार देखा है, और शायद ही डिजिटल चैनल कोई ऐसा होगा जिस पर सुनील शुक्ला जी नहीं आते, उत्तर प्रदेश से, और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस देश के जो हैं उनमें से एक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे मंच पर। सबसे पहला सवाल अगर मैं पूछूं तो राजू जी, सबसे पहला तो आप ही के पास आना बनता है कि क्या ये जो हेडलाइन मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की दिखाई, क्या आप भी इस हेडलाइन से एग्री करते हैं कि इस वक्त अकाली दल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, 25 साल में सबसे बुरे इस पे जो है दौर, इस वक्त हालात जो है वो है? प्रदीप जी,
ये बिल्कुल सही है, ये जो हेडलाइन दी गई है कि अकाली दल अपने सबसे गंभीर जो राजनीतिक अस्तित्व है उसके संकट में से गुजर रहा, और वो इसलिए सही है क्योंकि अगर हम ये 2024 के चुनावों के नतीजों पे जो अकाली दल का प्रदर्शन रहा है तो ये बेहद निराशाजनक है। अकाली दल देखा जाए वैसे तो 2017 से ये लगातार रसातल की तरफ जा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जहां पे अकाली दल के बहुत पुराने नेता जो हैं और उनको ये महसूस हुआ है कि शायद अकाली दल का भविष्य जो है वो सुखबीर सिंह बादल की जब से कमान आई है उनके हाथ में तब से ये भविष्य उज्जवल उनको दिखाई नहीं पड़ रहा, और यहां तक दिखाई नहीं पड़ रहा कि उनको लगता ही नहीं है कि अकाली दल का ये रिवर्स जो ट्रेंड है ये रिवर्स होने वाला है, और इसी के चलते उन्होंने एक ऐसी बगावत जिसमें नो होल्ड बार्ड वाली एक सिचुएशन है कि कल जलंधर में एक अलग से मीटिंग की, और ये बहुत कुछ छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं, प्रेम सिंह चंदू माजरा है, सांसद हैं रहे हैं, सिकंदर सिंह मलूक का पूर्व मंत्री हैं, ये मालवा के एक बड़े बड़े नेता हैं, परमिंदर सिंह ढींसा हैं जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो अध्यक्षा और पूर्व मंत्री बीबी जग्गी को, बहुत सारे ऐसे नाम है, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक है जो के श्रोमणी अकाली दल से वो टूट चुके हैं, अब महज एक औपचारिकता बची है, वो औपचारिकता इस बात की कि उनका अपना जो पार्टी का ढांचा वो किस किस्म का होगा, उनका अध्यक्ष क्या हो कौन होगा, वो प्रेसिडियम मोड में जाएंगे या किसी एक को नेता चुनेंगे। तो ये 1 जुलाई का उन्होंने प्रोग्राम दिया है कि श्री अकाल तख्त साहब के ऊपर जाके वो वहां पे नतमस्तक होंगे, अगला प्रोग्राम अपना, और वहां से वो अकाली दल बचाओ एक लहर जो है कैंपेन अभियान है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सब के चलते ये एक ज्यादा बारीक समझ की जरूरत नहीं है इस चीज को भांपने के लिए कि अकाली दल के ऊपर जो नेतृत्व है सुखबीर बादल या यूं कहें कि बादल परिवार है, वो नेतृत्व बहुत कमजोर हो चुका है, और इसी की ये निशानी है कि इतने बड़ा जो नेताओं का एक हिस्सा है वो अकाली दल से टूट चुका है। और दूसरी बात ये है कि अकाली दल के इस टूटने के लिए जहां ये जो बगावत जिस धड़े ने की है वो, और श्रोमणी अकाली दल जो सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता वाला है वो अपनी अपनी दलीलें अपने अपने कारण दे रहे हैं और अपने आप को वो जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उसमें सुखबीर सिंह बादल का जो धड़ा है वो ये कह रहा है कि हम ओरिजिनल हैं और ये जो बाकी के धड़े जो बगावत जिन्होंने की है ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। कल जब उन्होंने मीटिंग प्रेस वार्ता करी तो उन्होंने राजू भाई मैं जरा सुना दूं पहले लोगों को कि वो अकाली दल जो सुखबीर बादल के साथ है जेडी बीजेपी हैगी वो सारियां जेडियां स्टेट्स पार्टीज रीजनल पार्टीज हैगियां उन्हां नूं कमजोर करना चाहदियां खत्म करना चाहदियां असीं नहीं खत्म होण देना चाहदे अकाली दल को खत्म करने के लिए ऑपरेशन लोटस जिम्मेदार है, बीजेपी कुछ कर रही है खेल इस तरह का, ऐसा अकाली दल सुखबीर जो गुट है उसका कहना है। देखिए मैंने जैसे अभी अपनी कितनी में कहा कि दोनों जो पक्ष हैं वो अपनी अपनी पोजीशन जो उन्होंने ली है उसको जस्टिफाई करने के लिए वो अपना अपना तर्क दे रहे हैं। अकाली दल को जो श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता वाला है उनको ये राजनीतिक तौर पे सूट करता है कि वो ये कहें कि ये बीजेपी की शह के ऊपर ये बीजेपी स्पॉन्सर उन्होंने बोल दिया ऑपरेशन लोटस, और यही ऑपरेशन लोटस की दुहाई अगर आपको याद हो तो पंजाब आम आदमी पार्टी ने भी दी थी कि बीजेपी जो है वो पंजाब में हमारे जो है विधायक हैं उनको खरीदने की कोशिश कर रही है, और दिल्ली से भी उसके तार जुड़े थे, वहां पे भी ऐसा कुछ किया लेकिन उसमें कुछ निकला नहीं। लेकिन
अगर ये बात कहते हैं, ये एक पहलू हो सकता है, एक कारण हो सकता है, लेकिन अकाली दल के भीतर सब कुछ अच्छा नहीं। मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूं कि अकाली दल का गठबंधन जो बीजेपी के साथ रहा है वो बड़ा लंबा समय वो चला है, सरवाइव किया है, और उसके चलते अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन ने एक नया पंजाब की राजनीति के चुनावी राजनीति में एक रिकॉर्ड बनाया था, जब उन्होंने 2012 में रिपीट किया था, ये पहली बार पंजाब में हुआ था। तो उसके चलते हुआ क्या कि अकाली दल को इस बात की कंप्लेसेंसी थी कि भाई बीजेपी हमारे साथ है, इनको शहरों से वोट मिल रहा है, हमें देहात में से वोट मिल रहा है, ये हिंदू वोटर समाज है, वो वोटर जो है शहरी वोटर है बीजेपी का, और हमारे पास जो सिख और किसान वोटर जो है वो हमारे साथ है। तो उसके चलते एक बड़ा ये एक डेडली कॉम्बिनेशन था, जिसके चलते अकाली दल ने अपने आप को संगठनात्मक स्तर के ऊपर उतनी मजबूती पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सत्ता अब जो थी वो बड़ी आसानी से मिल रही थी इस समीकरण से। तो कमोबेश बीजेपी का भी यही हाल था, और यही वजह है कि दोनों पार्टियां जब अलग से लड़ी तो बीजेपी पहली बार सिवाय उनके हिस्से की जो 3 सीट्स आती थी, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, उसके अलावा 10 सीटों पे तो कभी उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। इसलिए उनका संगठन वहां पे बहुत कमजोर रहा और उनके पास इतना वक्त नहीं था कि उसको दोबारा वो मजबूत कर। यही हाल जो है वो अकाली दल का रहा। तो उस ये चीजें अब सामने आ रही जब वो अकेले अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि अगर हम सारी पार्टियों का, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का, सभी का वोट शेयर बुरी तरह से गिरा है इस बार पंजाब में, 40 से 26 रह गया कांग्रेस का और 26 ही उसका, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है उसका तो 2019 से इनका कोई मुकाबला करना बनता नहीं, उनका मुकाबला किया जाता है कि 2022 में उनका जो 42% वोट शेयर था उसके साथ करें तो वो 26 रह गया, और अकाली दल जो है वो बिल्कुल 13 पे। अगर किसी ने गेन किया है तो वो मात्र बीजेपी ने किया है, जिसने अपना वोट शेयर 19 के मुकाबले डबल किया है, चाहे सीट नहीं मिली। इसी के चलते ये इल्जाम जो है इसमें कुछ दुरुस्तगी लग रही है कि अकाली दल की तरफ से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर विक्टिम हुआ है तो वो अकाली दल हुआ, वो भी बीजेपी के हाथों। अकाली दल का वोट शेयर का नीचे जाना तो किसको गया फिर वो, बीजेपी का वोट कहां से बढ़ा? तो मेरा यह मानना है कि ये डायरेक्ट फायदा जो है अकाली दल के इस संकट का बीजेपी को हुआ है, और जब ये 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे थे तब भी गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी और उसको कुछ नहीं, और ऑन रिकॉर्ड अमित शाह जी ने बोला था कि जी हमारी बातचीत चल रही है, तो अंततः वो सीट शेयरिंग के उस पर आके बातचीत टूट गई, और उसको डिनाई भी नहीं किया था श्रोमणी अकाली दल ने, और सुखबीर सिंह बादल ने भी डिनाई नहीं किया था चुनाव से पहले। तो इसका मतलब कि तब तक तो बीजेपी ओके थी, लेकिन अब चूंकि एक ऐसा गुट है, और छोटा नहीं बहुत बड़ा गुट है, जिन्होंने इस बार चुनाव भी लड़े हैं, उनको यह लगता है कि हमारा जो गठबंधन नहीं हुआ इसकी वजह से ये हमें, ये हमारी दुर्दशा हुई, और उसके लिए वो दोषी ठहरा रहे हैं सुखबीर सिंह बादल को। तो इसीलिए सुखबीर सिंह बादल वाला दल है उनको ये सूट करता है कि वो कहें कि ये तो बीजेपी के पक्षधर है, यहां तक बोल दिया उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये अकाली दल मोदी है जो बगावत जिन्होंने किए धड़े को। तो ये आपसी कलह है और ये पहले भी होता आ रहा है, और ये जाते हैं नेता फिर वापस आ जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर चलने वाला, अकाली दल भी अफोर्ड नहीं करता। मजे की बात आप प्रदीप जी ये देखिए कि इस बार इतनी बड़ी संख्या में 60 के करीब बड़े नेता, छोटे मोटे नेता नहीं, अपने अपने क्षेत्र के बड़े नेता जो हैं वो उन्होंने अकाली दल से किनारा किया, ओपन रिवोल्ट किया है, लेकिन अकाली दल ने किसी किस्म का कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई और सख्त फैसला उनके खिलाफ नहीं लिया है, और वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि इतने बड़े लोग जाएंगे तो हमारी जो इसमें क्षति, हम कमजोर होंगे, वो इंतजार करेंगे, दरवाजे खुले रखेंगे, ये लोग वापस आए, जैसे पहले भी होता रहा है। गुरचरण सिंह टोहड़ा और प्रकाश सिंह बादल वाला अगर प्रकरण लें उनकी फ्यूट, तब भी कदावर नेता 25 बार श्रोमणी अकाली दल के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, गुरचरण सिंह टोहड़ा, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन उनको भी वापस आना पड़ा था, उन्होंने अलग से अकाली दल बनाया था लेकिन वापस आना पड़ा।
तो मुझे लगता है कि ये जो बात चल रही है इसमें बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि अकाली दल जो है विक्टिम है बीजेपी की बढ़ती हुई उसका मजबूती का, उसकी पैठ बढ़ रही है, बीजेपी बहुत अग्रेसिवली काम कर रही है, तो वहां पे जब ये दोष लगाते हैं तो वो पॉलिटिकली उनको सूट करता है ये कहना कि बीजेपी, क्योंकि जो बीजेपी का आपने कैरेक्टराइजेशन किया उसके चलते उस पर सहज विश्वास भी कर सकते हैं लोग। जी, बात कैरेक्टराइजेशन की आई, सुनील सर ये क्या कैरेक्टर है, ये क्या वजह है कि जो बीजेपी है अपने दो सबसे पुराने सहयोगी जो हर वक्त बुरे वक्त में भी उसके साथ खड़े थे उन दोनों पार्टियों को खत्म करने पर तुली हुई है। मानता हूं कि वाजपेयी की बीजेपी और मोदी की बीजेपी में बड़ा फर्क है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखें और जिस तरह से आज की सिचुएशन है, खुद को सहारा लेना पड़ रहा दूसरी पार्टियों का, वहां पर आप अपने पुराने सहयोगियों को अगर इस तरह से खत्म करेंगे तो जो नए अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी तो डरे रहेंगे ना, तो वो भी तो पहला मौका छोड़ते ही भाग जाएंगे। इस साइकोलॉजी के पीछे आप क्या समझते हैं कि क्यों बीजेपी ऐसा करती है कि अपने ही दोस्तों को खत्म करने पर तुली रहती है? धन्यवाद प्रदीप जी। बीजेपी दरअसल अपने सहयोगियों के बल पर जिन राज्यों में बढ़ती है फिर वह चाहती है कि उसकी निर्भरता खत्म हो जाए। महाराष्ट्र में वह अब उसके पास इतनी ताकत कभी नहीं थी कि अपने बूते आगे बढ़ सके, उसको शिवसेना का सहारा मिला, शिवसेना के बदौलत तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो उसको ये लगा कि बाला साहब ठाकरे के बाद उनको ये लगने लगा कि वो अपने बूते भी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चाहती है कि वह अपनी ताकत के बल पर आगे बढ़े, वह अपने निर्भरता को खत्म करना चाहती। वही स्थिति पंजाब में, पंजाब में उसको कोई जानने वाला नहीं था, अकाली दल के माध्यम से पंजाब की राजनीति करनी शुरू किया उन्होंने, वह सफलता उनको नहीं मिली, उन्होंने अकाली दल को तोड़ दिया, फिर भी सफलता नहीं मिली, कांग्रेस को तोड़ दिया। अगर आप, मेरा अपना मानना है कि पार्टियों को तोड़ करके आप सरकार तो बना सकते हैं लेकिन आपने राजनीतिक आधार नहीं बढ़ा सकते, ये कभी नहीं हुआ। सरकारें बन जाती हैं, 5 साल उनको चलना होता है, विधायक सांसद जो चुने जाते हैं वो चुनाव चाहते नहीं है, टूट करके चले गए, सरकार बना लिया, 5 साल रहे, फिर जो होगा सो देखा जाए। लेकिन राजनीतिक जनाधार अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने राजनीतिक गतिविधियों से ही बढ़ा सकते हैं। आप विलियम साहब ने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन अकाली दल का मत प्रतिशत गिर गया। अकाली दल की विरासत किसके पास है? पिछले हाल के वर्षों में अकाली दल किसके नाम से जानी जाती रही है? प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल से अलग हट करके कितने लोगों ने अकाली दल डेवलप करने की कोशिश की? अकाली दल मान बनी, सुखविंदर सिंह ढींडसा ने बड़ी मेहनत की, अन्य लोगों ने मेहनत की एक अकाली दल के नाम पर राजनीति कर ले, लेकिन वो विरासत आगे नहीं बढ़ पाई। अकाली दल की जो, अकाली दल पार्टी की जो राजनीति बने, अकाली दल के का मतदाता वर्ग जो है उसको तैयार करने में हाल के वर्षों में, पिछले 20-25 सालों में, वह प्रकाश सिंह बादल के लोगों ने, प्रकाश सिंह बादल की अपनी उपलब्धि है। आप प्रकाश सिंह बादल को या उनकी विरासत को नेग्लेक्ट करके अकाली दल की राजनीति नहीं कर सकते, या अकाली दल के समर्थकों को अपने साथ आप जोड़ नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी ने यही कोशिश की महाराष्ट्र में, उसने शिवसेना को तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे को अलग कर दिया और अब शिंदे साहब को अपने साथ ले लिया। जब शिंदे साहब को अपने साथ आपने लिया तो बाला साहब ठाकरे की विरासत किसके पास है? स्वाभाविक है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत उद्धव ठाकरे के पास है। तो क्या जो शिवसेना का समर्थक है, शिवसेना का मतदाता है, शिवसेना के साथ सहानुभूत रखने वाले लोग हैं, शिवसेना के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं, वह शिंदे साहब के साथ कैसे चले जाएंगे? क्या किसी भी राज्य में ऐसा हुआ है? ये संभव नहीं होता। वही स्थिति पंजाब में है। पंजाब में अकाली दल का समर्थक प्रकाश सिंह बादल की विरासत के साथ है। एक हर राजनीतिक दल के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आज मान लीजिए कि ये सही है कि सुखविंदर बादल की राजनीति से ढेर सारे लोग असंतुष्ट हैं। अब उनकी राजनीति का जो करने का जो तरीका है वो प्रकाश सिंह बादल से एकदम अलग है। प्रकाश सिंह बादल की जो स्वीकृति थी, लोगों से मिलना जुलना था, जो उनका राजनीतिक तौर तरीका था, एक अलग तरह का था। और सुखविंदर जी के साथ इस तरह की नाराजगी है, लेकिन ऐसा वो अगर इस पार्टी को रिवाइव भी होना है तो सुखविंदर बादल ही रिवाइव करेंगे, उसमें वही अपने मतदाताओं को फिर अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। मुझे नहीं लगता। सुनील जी, सुखबीर बादल, सुखबीर बादल, सॉरी सुखबीर बादल,
सुखबीर बादल ही अपने साथ लोगों को ले आएंगे या सुखबीर बादल के तरफ ही लोगों का आकर्षण होगा, इसको अन्य लोग तोड़ करके नहीं ले जा पाएंगे। मेरी अपनी समझ है ये, क्योंकि किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण हूँ, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के देहावसान के बाद मुलायम सिंह जी का जब उनकी जब दुखद मृत्यु हो गई तो शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रमोट किया, एक समर्थक उनके साथ नहीं गया। आरजेडी जेडीयू के तोड़ करके आरसीपी सिंह को ले जाने की कोशिश की, अन्य नेताओं को तोड़ने की बिहार में कोशिश की, कुछ नहीं हासिल हो पाया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ दिया बीजेपी ने, विधानसभा में उसको जन समर्थन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सरकार फिर टीएमसी की बनी। 2024 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या कम हो गई और जो नेता टूट करके गए थे बीजेपी में सब लौट के चले गए टीएमसी में। केवल सवाल यह होता है कि उस पार्टी की राजनीति को बढ़ाने वाला, उसकी विरासत को बढ़ाने वाला नेता कौन है, जनता के बीच में किसकी स्वीकृति है, सवाल यह है। तो क्या प्रकाश सिंह बादल की विरासत को सुखबीर बादल से अलग किया जा सकता है? क्या सुखबीर बादल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाने जा रहे हैं जो प्रकाश सिंह बादल की राजनीति नहीं कर रहे हैं, या जो जिस राजनीति के लिए प्रकाश बादल जी जाने जाते थे उससे अलग वो है? ऐसा है नहीं। ठीक है, एक आक्रामकता बीजेपी केवल बीजेपी के पास अपना तरीका है पार्टियों को तोड़ देना और उसके बल पर बढ़ने की कोशिश करना। मेरा अपना मानना है कि आप इससे दीर्घकालिक राजनीतिक ताकत नहीं पा सकते। सरकारें बना सकते हैं, संभव है कि जो सांसद चुने गए हैं वो सोचे कि आप इस टूट करके यहाँ चले जाओ और जो अन्य उत्पीड़न की कार्रवाइयां हैं उसे आप बच जाओ, सरकार का भी सुख ले लो और जो केंद्रीय एजेंसियों का चाहे जांच एजेंसियों के आप निशाने पर है उसे आप बच जाइए। लेकिन जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो स्थिति तो नहीं बनती। महाराष्ट्र में जो ताकत बटोरा था बीजेपी ने उसको तो बंपर जीत के आना चाहिए था, क्या हालत हो गई, 8-9 सीटों पर सिमट कर रह गया। वही स्थिति पंजाब में, ठीक है आज अकाली दल की राजनीति कमजोर हुई है लेकिन अकाली दल ने सुखबीर बादल ने अपनी राजनीति को छोड़ा नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि मैं उस बात उस आरोप से सहमत हूं कि जो सुखबीर बादल के खिलाफ राजनीति की जा रही है वह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है, यह मुझे स्वीकार करने में कोई बहुत अतार्किक बात ही नहीं लगती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गतिविधियों को प्रमोट कर रही है उन राजनीतिक दलों को, खासतौर से ये उन्हीं दलों पर ज्यादा अटैक कर रही जहां का जो पुराना नेतृत्व था वह या तो शिथिल हो गया या इसमें अस्तित्व में नहीं। उसको ये लगता है कि इस जो अब पार्टी में जो बिखरा होगा उसका फायदा उसको मिल जाए। कांग्रेस को बुरी तरह से तोड़ दिया पंजाब में ही, कौन बड़ा नेता है जो जिसको उन्होंने नहीं तोड़ दिया, हारे हुए नेता को मंत्री बना दिया। बावजूद इसके क्या आप यह जो आप मत प्रतिशत की बात कर रहे हैं विलियम साहब, वह उन उम्मीदवारों का मत प्रतिशत है, पार्टी का कैडर का मत प्रतिशत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कैडर है वो चुनाव लड़के देख ले उसी पंजाब में कितना मत प्रतिशत उसको मिलता है और कितने लोग उसको वोट देते हैं। एक जो पुराने नेता है जो पार्टी के अन्य दलों से आकर के और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, उनका भी उसमें योगदान है। मेरा अपना मानना है कि उसको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि मान लेना ये एक बहुत ही तार्किक निष्कर्ष नहीं है। जैसे केरल में एक सांसद जीत के चले आए, उसको भारतीय जनता पार्टी की जीत मानना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। वो एक मलयालम फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता है गोपी साहब, उनकी जीत है। आप ये कह सकते हैं कि साहब पहले क्यों नहीं जीत गए, ठीक है जीते तो वही ना, अरे तो कोई नहीं जीत पाया जो पार्टी के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का झंडा लेके घूम रहा है केरल में, क्या वो जीत गया? तो वो स्थिति नहीं बनती है। तो जो मत प्रतिशत बढ़ा है पंजाब का बीजेपी का, वो मेरा मानना है कि दल बदल करके आए हुए बड़े नेताओं के साथ जो वोट आया है उसका वह परिलक्षित हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी उपलब्धि नहीं है और अकाली दल पहचानी जाएगी भविष्य में भी। असहमतियां हो सकती है, टकराहट हो सकती है, सांगठनिक संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन सुखबीर बादल के साथ ही वो पार्टी आगे बढ़ेगी जो विरासत प्रकाश सिंह बादल जी की है। जी जी राजू सर, दरअसल आउटसाइड ऑफ पंजाब खास करके नॉर्थ इंडिया से उधर जाओ तो दो चीजें इस वक्त पंजाब को लेकर डिस्कशन का मुद्दा है। एक तो ये है कि ये जो
बीजेपी का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, हालांकि सुनील सर ने कहा कि ये टेम्परेरी है और वो नेताओं का अपना वोट बैंक है, पार्टी का नहीं है, कैडर नहीं है उनके पास, एक तो ये इस पे आपसे जानना चाहूंगा कि जो वोट शेयर बढ़ा है इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए अगर महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ी बीजेपी ने तो वहां उसका वोट बैंक था, उसको फायदा हुआ। अगर तेलंगाना में बीआरएस के खत्म होने पे बीजेपी को फायदा हुआ, समझ में आता है हिंदू वोट है, वहां कंसोलिडेट हुआ। लेकिन पंजाब में बीजेपी को फुटहोल्ड मिलना थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा लोगों को, एक तो इस पे जानना चाहूंगा। दूसरा एक पॉइंट मुद्दा डिस्कशन का ये है कि जो दो अलगाववादी नेता जो इंडिपेंडेंट के रूप में जीते हैं वो किस ओर इशारा करते हैं? एक कंगना रनौत जैसी अगर एक बयान दे देती है तो उसके बाद चीजें कई दिशाओं में बदल जाती है, कई लोग किस तरह अलग अलग तरह की बातें करते हैं। ये दो चीजों पे जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने की वजह क्या, सुनील जी जो कह रहे हैं टेम्परेरी वो बात आप मानते हैं कि लगता है कि नहीं ये बीजेपी कंसोलिडेट करेगी इस वोट बैंक को, और दूसरा वो अलगाववादी एंगल जी? प्रदीप जी, बीजेपी अपना ये जो वोट शेयर है इसको कंसोलिडेट करेगी। उसके लिए हम आने वाले अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं तो उनके नतीजे, क्योंकि नतीजे ही जो है राजनीति में वो इस बात को सब्सटेंशिएट करते हैं जो भी हम अपना एनालिसिस अपना ओपिनियन देते हैं उनको। देखिए अगर हम ये कहते हैं कि ये बीजेपी का वोट शेयर नहीं है, जो नेता दूसरी पार्टियों से आए या जो उम्मीदवार अपने थे बीजेपी के उनका है, लेकिन हम ये मत भूलें कि उन्होंने चुनाव बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल पे लड़ा, बीजेपी के प्रत्याशी थे वो, पार्टी के प्रधान। और मुझे मेरा ये मानना है कि पंजाब में जो वोट पड़ा है वो प्रत्याशियों को नहीं पड़ा है, वो बीजेपी को पड़ा है, और बीजेपी भी नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ा है। और उसके और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जिसमें हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं राम मंदिर का जो मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात कि अकाली दल के साथ जो एक असंतुष्टता, एक नाराजगी है, एक सिख जो वोटर है वो बहुत बड़ी संख्या में अकाली दल से चिपका है, और उसके भी बहुत बड़े कारण है। वो कारण 2015 से जब से ये सेक्रिलिज के जो इंसिडेंट्स हुए, जब अकाली दल की सरकार, अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी तब 2015, लेकिन उसका खमियाजा अकाली दल को भुगतना पड़ा क्योंकि वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो सिखों के जो जो उनके धार्मिक और राजनीतिक जो सरोकार है उनका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी, जो अकाली दल की राजनीतिक पहचान है वो सिख धर्म के इर्द गिर्द बुनी गई। तो वहां पे जब वो ऐसा कुछ होगा कि लोगों को ये लगेगा कि हमारी सरकार है और हमारे ही जो सैक्रिलेज हुआ है, बेअदबी की घटनाएं हुए हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहब का जो अपमान हुआ है, तो मुझे, और उसके बाद जब इनकी सरकार थी उसके चलते कुछ ऐसा नहीं किया गया, एक परसेप्शन ये बना कि अकाली दल की सरकार जो है वो जो जो दोषी है उनको बचाने की मुद्रा में है, वो बचा रही है, तो वो चीज उसके बाद इनके हाथ से सत्ता चली गई। और उसके वही चीज चलती चलती जो आज तक इस पे पहुंची है, इस मरहले पे पहुंची है कि अकाली दल अपनी उस गलती को सुधारने की स्थिति में ही नहीं। तो ये एक चीज है। और दूसरा है कि अकाली दल की जो वर्किंग है, जैसे बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं सुनील जी की बात से कि प्रकाश सिंह बादल के काम करने का जो तौर तरीका था वो बिल्कुल भिन्न है। प्रकाश सिंह बादल एक ऐसे कदावर नेता है जिनकी जो स्वीकृति है वो अक्रॉस रिलीजियस लाइन, अक्रॉस जो इकोनॉमिक और सामाजिक जो स्टेटा था उनकी ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी थी। लेकिन सुखबीर बादल उस तरीके की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो इनको नहीं मिली। तो इसीलिए जब प्रकाश सिंह बादल जी का देहांत हुआ तो एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से ये कोशिश की गई कि ये जताया जाए कि सुखबीर सिंह बादल जो है वो प्रकाश सिंह बादल की जो धरोहर है उसको ही आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन उसका कुछ असर हमें दिखाई नहीं पड़ा है इन 2024 के चुनावों के नतीजों में। दूसरी बात
ये है कि देखिए पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का जो किस्सा है ये भिन्न है बाकी के प्रदेशों से। पंजाब में अकाली दल ने अपनी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से 2020-21 का जो किसान आंदोलन था उसके बाद इन्होंने मंत्रिमंडल को छोड़ा था, एक गठबंधन से खुद बाहर आए थे, बीजेपी ने नहीं इनको निकाला क्योंकि इनकी राजनीति इनको लगता था। तो वो जो जो फैक्टर केंद्र में जब बीजेपी की सरकार है अकाली दल के खिलाफ गया और जब यहां पे इनकी अपनी गठबंधन की सरकार थी तो वो जो बेअदबी वाला है जो धार्मिक फैक्टर है वो इनके खिलाफ था। और दूसरा मैंने जो कहा कि गवर्नेंस के मामले में भी ये जब से सुखबीर बादल आए हैं तो इनकी जो कार्यशैली वैसी नहीं। प्रकाश सिंह बादल का ये था कि अगर कोई रूट भी चाहता था उसको बनाना और उसका उनका राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी थी कि उनके अंदर किसी किस्म की कोई ईगो नहीं थी। अगर किसी को मनाना होता था तो उसके घर तक जाते थे, चाहे वो बड़ा नेता चाहे छोटा नेता। तो ऐसा कुछ वो नहीं है सुखबीर सिंह बादल में, हालांकि उन्होंने कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि इस सब के चलते जो जो जहां पे बीजेपी के मत प्रतिशत के बढ़ने की बात है तो ये सारे फैक्टर कलेक्टिवली इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, मोदी फैक्टर। और बीजेपी और अकाली दल अलग अलग हैं तो वो कमजोर हैं, लेकिन जब वो इकट्ठा हैं तो वो ताकत में है। और पंजाब की स्थिति ऐसी है कि पंजाब पे एक नई किस्म की राजनीतिक समीकरण बने हैं आम आदमी पार्टी के सत्ता संभालने के बाद। अब पंजाब की जो राजनीति है वो बायपोलर राजनीति नहीं रह गई है। प्रकाश सिंह बादल जी ने कभी इसको ट्रायंगुलर बनने ही नहीं दिया था। उन्होंने अगर बहुजन समाज पार्टी थी तो उनके साथ उन्होंने समझौता किया और कांग्रेस वर्सेस अकाली दल इन द रोल ऑफ अ बिग ब्रदर। और उसके बाद जब बीजेपी के था तो उन्होंने बीजेपी को जब वाजपेयी जो केंद्र में जब सत्ता में आए बीजेपी मजबूत हुई तो इन्होंने बीजेपी को अपने साथ ले लिया। और पंजाब में ये अकाली दल जो है वो बड़े भाई की भूमिका में आ गया तो तब भी उन्होंने कांग्रेस वर्सेस अकाली दल और वो कर दिया। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है इसके चलते। लेकिन राजू से एक चीज, एक छोटा सा सवाल बीच में रहा बनता, आपने दो फैक्टर गिनाए और ये मैंने राजा वड़िंग का भी सुना था कि उन्होंने कहा राम मंदिर का फैक्टर पंजाब में काम किया, एक तो राम मंदिर, दूसरा आपने कहा मोदी फैक्टर। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब में जो सिख वोटर है जो हिंदू वोटर है वो अलग अलग तरीके से सोच रहा है, अलग अलग तरीके से वोट दिया है इस बार उन्होंने, क्योंकि राम मंदिर का इफेक्ट तो फिर हिंदू वोटर पे ही ज्यादा पड़ेगा ना, और मोदी इफेक्ट भी ज्यादा उन्हीं पे रहा है क्योंकि किसानों का कानूनों को लेकर वैसे भी पंजाब में एक धारणा बनी थी कि पंजाब के लोग मोदी के खिलाफ हैं। देखिए पंजाब में अगर हम सिख अपने भाईचारा इनकी बात करें, सिख कम्युनिटी की बात करें तो वो मेजोरिटी में, लेकिन उनकी जो धार्मिक और सामाजिक बनावट है वो नेसेसरली उनको एंटी हिंदू नहीं बनाती। और पंजाब जो है जो हिंदू समाज है इसमें पंजाब में भी बड़ी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चली, आर्य समाज की मूवमेंट चली, तो उसका बड़ा गहन सो पंजाब का जो हिंदू है और पंजाब का सिख है एक दूसरे को वैसे नहीं देखता जैसे बाकी के प्रदेशों में जहां पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम है या हिंदू वर्सेस दलित है, उस तरीके का पंजाब में नहीं। इसीलिए जो एक्सेप्टेबिलिटी है ये जो सिख वोटर है कि देयर इज नो अदर वे टू एक्सप्लेन कि बीजेपी का मत प्रतिशत क्यों बढ़ा। शहरों में बहुत बड़ी संख्या सिख वोटर जो है उन्होंने वोट किया है बीजेपी के पक्ष में, उनको कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, राम मंदिर से या बीजेपी के एक हिंदू राष्ट्र वाला जो उनका एजेंडा, हिंदुत्व वाला एजेंडा, उससे कोई खास दिक्कत नहीं हो रही है पंजाब, क्योंकि पंजाब का जो अर्बन सिख है और जट सिख रूरल सिख उनका भी अप्रोचेस जो है बड़ी डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग है। तो ये सब बातें, और ये मैं नहीं कह रहा कि ये अंतिम बात है, ऐसी नई चीजें हमें इस बार देखने को, क्योंकि ये बड़ी डायनामिक सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा सिख, लेकिन देर इज नो अदर वे टू एक्सप्लेन कि भाई अगर मत प्रतिशत बढ़ा तो क्यों बढ़ा, तो कहां से वोट पड़ा बीजेपी को। हम ये मान के चले, ये धारणा है कि हिंदू फैक्टर जो है अपना राम मंदिर या मोदी की वजह से हिंदू वोट पड़ गया, लेकिन वो हिंदू वोट इतना नहीं है ना,
अगर वो इतना होता तो गुरदासपुर की सीट क्यों हारते, होशियारपुर की सीट क्यों हारते, ये जो इनकी पारंपरिक सीटें थी बीजेपी की, इनके हिस्से में आती थी। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी गिनती में सिख वोटर इस बार इधर इनके हक में भुगता है। अदरवाइज कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई कि क्यों हुआ। अब तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक जब चुनाव हो रहा था तो प्रदीप जी ये एक धारणा बन चुकी थी कि बीजेपी तीसरी बार भी सरकार बनाने जा रही, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के हक में गया है पंजाब में, और खास करके जो शहर का व्यापारी वर्ग है, सिख जो व्यापारी है, सिख बिजनेसमैन है, या सिख जो है अपना सर्वस क्लास जो है लोग, उनको लगा कि भाई सरकार इनकी बनी, वाई टू वेस्ट आवर वोट बाय वोटिंग फॉर अपना अकाली दल को वोट देकर वोट खराब करना, इनके तो है ही नहीं, गठबंधन नहीं है। तो वो उसका जो फायदा वो बीजेपी को हुआ है कि ऑलमोस्ट ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन था कि जी सरकार बन, और वैसा हुआ भी है। तो मुझे उनका जो विवेक है उन वोटर का, उनके ऊपर मैं किंतु परंतु नहीं का, बिल्कुल सही है कि उन्होंने इसलिए वोट दिया क्योंकि बीजेपी सरकार बना सके, क्योंकि ये नेशनल इलेक्शन, ये स्टेट का इलेक्शन नहीं था जी। और दूसरी बात, आपने वो अलगाववाद वाली बात की थी जो खडूर साहब वाली, और दूसरा उसका भी देखिए, उसको ना पंजाब से बाहर बहुत ऐसे लिया जा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये एक टेम्परेरली फर्स्ट टाइम, ऐसे पहले भी होता रहा। सिमरनजीत सिंह मान से बड़ा वोटरी खालिस्तान का कौन हो सकता, हार गए हैं वो, पिछले साल जीतते थे वो, क्यों हार गए, और वो मालवे की उस सीट से हारे हैं जहां मेजोरिटी सिख वोटर है, ठीक है, और देहात का इलाका है, कोई बड़े शहर नहीं है संगरूर की पार्लियामेंट्री सीट के। तो ये एक तरीके का, जैसे पंजाब, पंजाब का एक स्वभाव है इमोशनल, और बड़ी जल्दी रिएक्ट करते, जितनी जल्दी बंदे को ऊपर चढ़ाते उतनी जल्दी नीचे भी लेके आते। तो जैसे उन्होंने सिमरनजीत सिंह मान को संगरूर के उपचुनाव में जिताकर आम आदमी पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया था, तो उसी तरीके से जो एस्टेब्लिश पार्टी, जैसे आप मैंने पहले कहा कि जो सिखों के धार्मिक मुद्दे हैं, जैसे वो बेअदबी का मुद्दा और विशेषकर ड्रग्स का इशू जो है, तो दूसरी किसी पार्टी ने, सभी को उन्होंने देख लिया, अकाली दल को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, अब आम आदमी पार्टी को देख लिया। तो मुझे लगता है कि वो एक लोकल रिएक्शन है और कहीं नहीं हुआ। अब जहां तक अलगाववाद की बात है, अरे भाई उन्होंने तो संविधान में अपनी आस्था जताते हुए तभी तो इलेक्शन लड़ा हुआ, और जो सरबजीत सिंह खालसा थे जो फरीदकोट से लड़े हैं, जो बेअंत सिंह, जो इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह जो है उनके सुपुत्र है, उन्होंने तो शपथ भी ग्रहण कर ली है भारत के संविधान के नाम के ऊपर, तो वो कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अमृतपाल सिंह जो खडूर साहब से जीते हैं, जो बहुत चर्चाओं में रहे, सुर्खियों में रहे, जिन्होंने कहा था कि भाई मैं तो संविधान को मानता ही नहीं, अल्टीमेटली इलेक्शन लड़ा उन्होंने और जीते हैं और जनादेश मिला उनको। तो यो जनादेश जो है वो अलगाववाद के लिए नहीं है, वो आतंकवाद के हक में वोट नहीं है प्रदीप जी, जैसे कि बाहर पंजाब से समझा जा रहा है। अगर एक बार जिता दिया दूसरी बार, अब दूसरे तरफ देखिए कि कितनी बड़ा एक पैराडॉक्स है, कितनी कंट्राडिक्शन आप कहें कि भी दो सीटों के ऊपर कहें कि पंजाब में अलगाववाद के हक में वोट है और बाकी 7 सीटों में कांग्रेस जीतती है, वो किसके हक में है, या आम आदमी पार्टी तो इसके लिए स्टैंड रेडिकल पॉलिटिक्स नहीं करती है, कांग्रेस तो रेडिकल, पंजाब में 10 और इवन अकाली दल, अब अकाली दल ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था खडूर साहब, अकाली दल का कैंडिडेट जो है वो उसको लोगों ने अमृतपाल सिंह को प्रेफर किया, अकाली दल को रिजेक्ट कर दिया, तो उसका क्या माने है? तो ऐसा नहीं है। अगर दूसरी बात और भी बता दूं आपको मैं, कि जितनी वोट अमृतपाल सिंह को वहां से मिली है, जो विरोधी पार्टियां हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को, उनको मिला के अगर वोट देखें एब्सोल्यूट टर्म में, तो उनकी वोट अमृतपाल सिंह से ज्यादा है, ज्यादा लोगों ने अमृतपाल सिंह को रिजेक्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला, ये एक टेम्परेरली है वहां पे, जो किस्म कि उन्होंने जो क्या कहते हैं प्रचार किया है, और उस कुछ ऐसा मिलता जुलता जो जहां पे अपना उमर अब्दुल्ला हारे हैं,
और इंजीनियर रशीद उनके भी है, उनके परिवार ने कहा कि जी ये तो उनको रिहा करना है, वो माँ का बेटा है, ऐसा ही कोई प्रचार यहाँ पे हुआ है, भावनात्मक स्तर पे प्रचार हुआ है और लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया। जैसे फरीदकोट की जो सीट है वहां पे लोगों ने कि ये उनका बेटा है, हालांकि सरबजीत सिंह खालसा इससे पहले बठिंडा से चुनाव लड़े हैं, असेंबली का चुनाव भदौर से, सभी जगह से हारे हैं, फतेहगढ़ से हारे हैं, इस बार जीते हैं। तो पहले अगर अगर रेडिकल वो उनकी पहचान होती तो पहले क्यों हारते, पहले भी जीतते। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्थाई वो बात नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए है, तो लेकिन खबरें बनती हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मैं भी कई चैनलों पे गया, मेरा भी यही कहना है कि पंजाब में लोग आखिरी चीज है, आखिरी से भी आखिरी चीज है कि वो चाहेंगे कि वो दौर वापस आए, ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है जो भी जो जीत हुई उनकी। पंजाब में कभी भी आप ये लिख लें पंजाब में दोबारा वो चीज नहीं, जिस बुरे दौर से पंजाब निकला है वो कभी भी उस दौर को नहीं। वापस नहीं आने देंगे पंजाब की, पंजाब की जो इथॉस है ना, कि बेसिक अक्रॉस रिलीजियस, पंजाब का सिख है, पंजाब का हिंदू है, पंजाब का मुस्लिम है और पंजाब का क्रिश्चियन, इनकी सेक्युलर इथॉस है जो बेसिस है। जी जी जी, वो ऐसा नहीं करेंगे। सुनील सर जैसे राजू जी ने पंजाब का बताया, सारा जिक्र किया, खैर महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, तेलंगाना हो गया, सब हो गया, जहां जहां बीजेपी ने अपना खेल किया है, पार्टियां अपनी तोड़ी है और पार्टी तोड़ के अपना एक रास्ता बनाने की कोशिश की है, इस सब को देखते हुए और खास करके अभी जो नई संसद बनी है, नई सरकार बनी है, उसमें भी अपनी ही छाप छोड़ते हुए, स्पीकर से लेकर सारे बड़े मंत्रालय अपने पास रखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे वो एलजेपी वाले हों, पासवान के बेटे चिराग पासवान, या इनफैक्ट एकनाथ शिंदे ही क्यों ना हो, इन सब के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भरोसा तो ये लोग भी नहीं कर सकते, इनको भी हमेशा टोस पे खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो ये इतिहास ही है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रही है वो दल खत्म हो गया। आप गोवा गोमांतक पार्टी से शुरू कर लीजिए और असम गण परिषद तक चले जाइए, और आज के इतिहास में आपने बीआरएस का नाम लिया और शिवसेना आपके सामने है और एनसीपी आपके सामने है, लेकिन ये कोशिशें सफल नहीं हो पाई। शिवसेना खत्म नहीं हो सकती, शिवसेना के नाम पर जो आपने राजनीति महाराष्ट्र में करने शुरू की, आप चाहते हैं कि एक धड़े को अपने साथ तोड़ करके ले आवे और आपकी अपनी ताकत बढ़ जाएगी, संभव होता नहीं है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो नेता, जो नेताओं का समूह, जो राजनीतिक दल अपने मतदाताओं को तैयार करता है, वह मतदाता उन्हीं के साथ जाता, उस पार्टी के किसी नेता के साथ नहीं जा सकता, उस नेता के साथ जाएगा जिसकी विरासत को स्वीकार करता। शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे, शिवसेना का मतलब बाला साहब ठाकरे, और शिवसेना का मतलब बाला साहब जी के बाद उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे उस विरासत को नहीं आगे बढ़ा पाए, शिंदे साहब की गिनती तो बहुत बाद में आती है। एनसीपी का मतलब शरद पवार, एनसीपी का मतलब कभी नहीं रहा अजीत पवार। समाजवादी पार्टी का मतलब मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह के बाद उसकी विरासत अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को विरासत नहीं मिल सकती। उस पार्टी में बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन पार्टी का नेतृत्व उनके पास नहीं जा सकता, उस पार्टी का कार्यकर्ता, उस पार्टी का मतदाता उनके पीछे नहीं जाने वाला। वही स्थिति विलियम साहब की बात से मैं असहमत हूं कि राम मंदिर का मुद्दा पंजाब में बहुत महत्वपूर्ण रहा। राम मंदिर का मुद्दा तो जहां राम मंदिर बना वहां नहीं महत्वपूर्ण रहा। क्या राम मंदिर के मुद्दे से सिख मतदाताओं ने भी बीजेपी को वोट दिया? क्या राम मंदिर का मुद्दा सिख मतदाताओं को भी पोलराइज किया बीजेपी के पक्ष में? क्या राम मंदिर के मुद्दे पर पंजाब का जो समान मतदाता था वो भी बीजेपी के पक्ष में गया? राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइजेशन की कोशिश निश्चित रूप से मोदी जी के नाम पे हुआ है। मोदी जी के नाम पर तो पूरा चुनाव ही हुआ, या तो मोदी जी के पक्ष में या मोदी जी के खिलाफ, ये इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। स्थिति यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत प्रतिशत बढ़ाने की, सही है कि बीजेपी, ये इसलिए तो उनका मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन उम्मीदवारों के साथ जो मत आए उनका भी बड़ा योगदान है उसमें। मैं अभी भी अपनी बात पे यह मैं कहना चाहता हूं, मत क्या
जो कि शहरी मतदाताओं की बात कही राजू साहब, शहरी मतदाताओं तो कुछ शहर को जैसे कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन तीन बड़े शहरों को अगर आप छोड़ दीजिए तो दिल्ली के शहरी मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया, लखनऊ में बीजेपी को वोट दिया, बेंगलोर के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया। सवाल एक सवाल है नहीं, एक वर्ग है जो बीजेपी को वोट देता। अगर पंजाब के बड़े शहरों में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो वह सामान्य फिनोमेना है, लेकिन क्या जो किसान आंदोलन रत है पंजाब का और अभी भी धरने में बैठा हुआ है, उसका समर्थ उसके परिवार के लोग बीजेपी को वोट दे देंगे? ये संभव है? बीजेपी अगर अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहती है वहां पे, तो तत्काल अगर उसकी ताकत बढ़ सकती है अकाली दल के साथ ही, और अकाली दल अपनी राजनीति छोड़ नहीं सकता। अकाली दल जिस मुद्दे पर एनडीए सरकार से अलग हुआ वो किसानों का मुद्दा था, और इस मुद्दे को लेकर के पंजाब में और हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रिएक्शन हुए। हरियाणा में नुकसान हुआ बीजेपी का, राजस्थान में नुकसान हुआ बीजेपी का, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ बीजेपी का, पंजाब में कैसे हो जाएगा कि लोग आगे लोग जबरदस्त तरीके से वोट देते? सवाल ये नहीं, ये जो बहुकोणीय मुकाबला हुआ पंजाब का, उसका परिणाम है। ये सही है बिल्कुल, विलियम साहब कह रहे हैं कि उसको त्रिकोणी बनने नहीं दिया था बादल साहब ने, या मुख्य लड़ाई कांग्रेस वर्सेस अकाली दल प्लस, ये स्थिति है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की भी अपनी ताकत है, कांग्रेस की भी अपनी ताकत है, अकाली दल की भी अपनी ताकत है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ताकत बढ़ाई है, तो सब मिला जुला माहौल हुआ। और लोगों ने, हाँ ये मैं मान सकता हूं कि मैं जो कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले कांग्रेस के नेता थे जो आप बीजेपी में गए, तो मैंने उनके समर्थक कई जिलों में बात किया, मैंने लुधियाना में बात की, मैंने जालंधर में बात किया कि आखिर क्यों जा रहे हैं, क्यों ये आपको लग रहा है कि मैं बीजेपी में जाकर के चुनाव के पक्ष में चला जाए। लोगों का मानना था कि हिंदू वोट सिखों के साथ जाए बीजेपी के नाम पर और एक पोलराइजेशन होगा और हमारा चुनाव निकल जाएगा, और कहीं नहीं हुआ। जिन जिन लोगों जिन जिन इलाकों में बात कर रही थी, कहीं पे दल बदलू नेता नहीं जीत पाए, सबके सब हारे जो कि पहले चुनाव जीतते रहे थे। भारतीय जनता, ये आप बिल्कुल टीडीपी का आपने नाम लिया, टीडीपी को तो बीजेपी ने पिछली बार दिखा दिया 17वीं लोकसभा में ही, जब राज्यसभा के उसके दो सांसदों को अपने में मिला लिया उन्होंने। सवाल केवल यह, इन राजनीतिक दलों को ही इसलिए बार बार ये बात होती है कि कांग्रेस के तो माने बड़ी पार्टी है, उसका अस्तित्व तो खत्म होने में समय लगेगा। बीजेपी के मजबूत होने का मतलब क्षेत्रीय दलों पर बड़ी चुनौती, ये क्षेत्रीय दलों को सोचना है। और जो विलियम साहब ने, इसलिए मैं कहता हूं कि विलियम साहब का यह कहना था कि अकाली दल के मतदाताओं ने इसलिए वोट नहीं दिया, कह रहे तो सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो टीएमसी के मतदाताओं ने क्यों दे दिया, एनसीपी के लोग क्यों जीत के चले आए, समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी कैसे बन गई, आरजेडी के लोग कहां से जीत गए और क्यों जीत गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग क्यों जीत के चले आए, किसी को सरकार नहीं बनाना था, केवल अपने अपने राज्य में थे। यह एक 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 अलग तरह की राजनीतिक माहौल, निश्चित रूप से अपने मतदाताओं को, अपने समर्थकों को सुखबीर सिंह बादल समेटने में विफल रहे, यह बिल्कुल सही है। यह अकाली दल की संगठनात्मक कमजोरियां हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको और कमजोर करना चाहती है। लेकिन मेरा अपना मानना यह है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप मुझे करेक्ट करेंगे, कि प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल की विरासत सुखबीर बादल के साथ ही जाएगी, वही उसके नेता बनेंगे और वही अपने समर्थकों को फिर इकट्ठा कर पाएंगे। या मैं यस, जो आज का चुनावी डिबेकल है अकाली दल का, इसको मैं अस्थाई मानता हूं, ये टेम्परेरी फेज है उनका। अकाली दल का समर्थक बीजेपी के साथ चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। अकाली दल का समर्थक बीजेपी के साथ तभी जाएगा जब दोनों में गठबंधन हो। हाँ, हिंदू मतदाताओं में सही है कि एक बीजेपी को लेकर के एक तरह का ध्रुवीकरण है जो भारतीय जनता पार्टी प्रोत्साहित करती रही। दूसरी चीज, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अमृतपाल सिंह की तुलना रशीद इंजीनियर से नहीं की जा सकती। रशीद इंजीनियर 3 बार के विधायक है उसी इलाके से, एक बहुत ही संघर्षशील नेता के रूप में उनकी पहचान है। धारा 370 को खत्म करने को लेकर के उन्होंने व्यापक आंदोलन चलाया,
उनके ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है, वो मुकदमा है, उस मुकदमे में उनको सजा नहीं हुई है, अमृत पालक में भी सजा नहीं, लेकिन उन गतिविधियों में शामिल होने की आम शोहरत, मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं कि मैं कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन उस इलाके के लोगों से आप बात करेंगे तो आम शोहरत उनकी इस तरह की नहीं है जो अमृतपाल की है। अमृतपाल सिंह पहली बार चुनाव लड़े, घोषित रूप से उन्होंने खालिस्तान का समर्थन किया, घोषित रूप से उन्होंने ऐसे कई बयान दिए जिसपे आपत्ति हो सकती है, रशीद इंजीनियर के बारे में कहना मुश्किल है, एक लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी पहचान है और उन्होंने अपनी लोकप्रियता अतीत में भी साबित की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला को हरा करके जीतना ये सामान्य बात नहीं थी, ये एक 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 वहां के लोगों का जनाक्रोश है और जो कार्रवाई रशीद इंजीनियर के खिलाफ हुई उसको लेकर के ये प्रतिक्रिया मैं मानता हूं। वहां के लोग, स्थानीय लोग, बारामूला के लोग रशीद इंजीनियर को ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं पहचानते कि यह व्यक्ति गैर संवैधानिक बात करने वाला है, यह एक ऐसा व्यक्ति है जो उग्रवादियों या आतंकवादियों के समर्थन में है या भारतीय संविधान के खिलाफ। जी 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 राजू जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? मैंने ये जो किया था ना मुकाबला इंजीनियर रशीद, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किया हुआ, तो मैंने सिर्फ जो चुनाव प्रचार जो चुनाव अभियान था उसकी जो क्या कहते हैं रणनीति है उसका तौर तरीका है, उसमें जिन जिन दलीलों को तर्कों को दिया था ना उसमें एक समानता जो है ये खुद अगर आप देखें उमर अब्दुल्ला की अगर आप सुने रिएक्शन सुने बिल्कुल आइडेंटिकल है जो हम लोग पंजाब में इसको देख रहे हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि वो जो जो किरदार उनका है वो उनका अपना है, रशीद का वो बिल्कुल पूरा विधायक है सारा, लेकिन जो चुनावी प्रचार हुआ है उसमें भावनात्मक स्तर पे जो किया गया है उसका एक मैं मानता हूं कि उसको लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है वहां पे भी, वरना उमर अब्दुल्ला बहुत बड़े नेता उनको लाना तो ऐसा नहीं, ये तभी हो सकता है, ये अपसेट्स जो बिग अपसेट्स है तभी होती है जब भावनात्मक मुद्दा जो है वो क्या कहते हैं डोमिनेट करता है, अदरवाइज बड़े नेता कभी नहीं हारते। आखिर एक चीज मैं तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अभी जो भी महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक जो भी बीजेपी कर रही है टेम्परेरीली फायदा हो सकता है, पार्टी इन रोड अपना बना सकती है, वोट बैंक बना सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन इस बार के चुनाव ने प्रदीप जी वोट बैंक नहीं बना सकती है, आई मीन सरकार बना सकती है, सरकार बना सकती है, सरकार चला सकती है, वोट बैंक नहीं बना सकती, दल बदल करके पार्टियों को तोड़ के आप वोट नहीं बना सकते। तो वो मेरा कहने का मतलब जो इस बार मैंडेट दिया है जनता ने उसने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो कोशिश की जा रही थी कि इस देश से जो मिलीजुली सरकारों का जो दौर है उसको खत्म किया जाए, टू पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम किया जाए, वो नकार दिया है लोगों ने। तो ऐसे में ये जो कदम अभी बीजेपी उठा रही है अभी फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में आफ्टर मोदी वाली जो बीजेपी होगी उसको इसका नुकसान ही होगा, इसका फायदा नहीं हो सकता, इस बात पे तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। फिलहाल सुनील सर और राजू भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।